शनि पीड़ा के बुरे प्रभाव से बचने और भाग्य को मजबूत करने के लिए वृषभ राशि वाले शनिदेव को कैसे करें प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय हम लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय हम चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, इसलिए आप भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। वृषभ राशि में जब चंद्रमा होता है तो वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि के चंद्रमा से शनि दशम का और नवम का स्वामी होता है, इसलिए वृषभ राशि वालों को शनि की कृपा से भाग्य मजबूत करने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, राजनीति में सफलता के लिए और अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी साधु को या सन्यासी को तवा और अंगीठी दान करना चाहिए। बरगद के पेड़ पर दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। घर में घी का दिया जला करके शनि के मंत्र ओम भानुपुत्राय नमः, सूर्य सूनवे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप किया जा सकता है। निश्चित रूप से अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके नवम और दसम भाव का स्वामी शनि होता है, आपके भाग्य भाव और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है। ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि का जो पौराणिक मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जप आपके लिए शानदार होगा। और हाँ, अगर आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर आपका आपकी जन्म लग्न मिथुन है, कन्या है, या आपकी जन्म लग्न तुला है या वृषभ है या मकर कुंभ लग्न है तो आप नीलम भी पहन सकते हैं, नीलम भी आपके लिए वरदान होगा। लेकिन देखना ये होगा कि आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है, इसका निर्धारण ज्योतिष शास्त्र का कोई मर्मज्ञ कर सकता है कि आप चंद्र कुंडली से नियंत्रित हो रहे हैं कि लग्न कुंडली से नियंत्रित हो रहे हैं, आपके जीवन की घटनाएं चंद्र कुंडली से घटित हो रही हैं कि लग्न कुंडली से घटित हो रही हैं। अगर चंद्र कुंडली से घटित हो रही हैं तब आपको नीलम पहनना चाहिए, और अगर लग्न कुंडली से घटनाएं घटित हो रही हैं तब आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।